बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, आज इस्लामाबाद में दो अहम केसेस की समाअत है, एक तो इमरान खान, दूसरे हमारे सदीक जान। सदीक जान जो है FIA साइबर क्राइम की तरफ से उन्हें नोटिस मिला है, उसका अब वो जवाब भी देंगे। आपकी मुलाकात भी हुई है, इस मुलाकात का आप अहवाल भी बताइएगा कि उस नोटिस के बारे में उनका क्या कहना था। इसके अलावा जो जमान पार्क में एक लंबा मैच चला है, उसमें जीता कौन है? देखें, जीत और हार का फैसला, कुछ फैसले जो हम नहीं करते और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका नतीजा जो है वो वक्त के साथ आता है। सही नहीं, जब धमाका होता है ना, और धमाके से सबसे पहले क्या होता है, आप मुख्तलिफ लोग वहां पर मौजूद हैं, खुदा ना खास्ता किसी जगह धमाका हो जाता है, तो सबसे पहले वहां पर एक गुबार, डस्ट जो है, डस्ट स्टॉर्म बुलंद होता है, गुबार से हट जाती है हर चीज, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही होती, कुछ कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, सही सुनो जाता ना कान जी, सिटी की आवाज आ रही होती है, वो इम्पैक्ट जो है वो लोगों ने देखा भी होगा मूवीज में होता है। असल में तो पता तब चलता है कि नुकसान किसका हुआ, कितना हुआ, डैमेज असेसमेंट होती है जब वो गुबार छट जाता है, सही, वो सिटी की आवाज बंद हो जाती है। इस वक्त 24 घंटे गुजरे हैं, 24 घंटों के बाद थोड़ा बहुत जो है वो गुबार नीचे उतरना शुरू हुआ है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके जरिए हम ये डिटरमिन करने की कोशिश कर सकते हैं कि इसमें जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब जो हैं वो लेस पॉपुलर हो गए हैं, सियासी लड़ाई है ना, जंग सियासी है, एट द एंड ऑफ द डे अगर इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी आ गई है तो फिर आपको लगेगा PDM जीत गए। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से एटलीस्ट लोगों ने, शायद लोगों के सामने हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एपिसोड के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी आई है, बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल, उसको इंटरनेशनल आय मिली है। वो मामला जो अब पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन तक महदूद हो गया था, लास्ट टाइम कब हुआ था इंटरनेशनलाइज, जिस वक्त इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का पर्चा कटा था। बिल्कुल, और जिस वक्त इमरान खान साहब पर अटैक हुआ था वजीराबाद में, ये दो मौके थे जिसमें ये मामला इंटरनेशनलाइज हुआ था। आज फिर ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके ऊपर जो है वो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने बयान जारी किया है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान साहब के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम का तमाम जो फोकस है इस वक्त, आप देखें कि उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, उनकी बात दोबारा, मैसेज जो है उनका वो पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है, और बहुत सारे ममालिक जिन पर ये गवर्नमेंट जाके जिनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमारी मदद कर दें, हमें पैसे दे दें, वो इमरान खान साहब की सारे गुफ्तगू सुनी होती है ना उन्होंने, तो फिर इनके जो एफर्ट्स हैं उनको राम करने में वो जाहिर है पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, इस किस्म के मामला, उनका जहन थोड़ा सा जो है वो होता है। तो ये जो गुबार है, इस गुबार के छटने के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। जब मुकम्मल तौर पर डस्ट सेटल हो जाएगी ना, इमरान खान साहब को हराने का एक ही तरीका है, वोट नहीं, एक ही तरीका, और वो तरीका है आप इकोनॉमी फिक्स कर दें। अगर आप इकोनॉमी फिक्स नहीं कर सकते तो भूल जाएं आप इमरान खान को संभाल सकते हैं। सही, अपोजिशन पॉपुलर होती है ना, लोग अपोजिशन की तरफ देखते हैं, लोग आज से एक साल पहले के हालात को आज के अपने हालात से कंपेयर करते हैं। सच्चा झूठा बयानिया इमरान खान का, सच्चा झूठा बयानिया PDM का मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है लोगों को आप जितनी मर्जी कहानियां सुना लें, एक है वो आपका हार्ड कोर पोलिटिकल वर्कर, ठीक है, जिसने आपने जो बात कहनी है उसने आंखें बंद करके अंधाधुंध उसके ऊपर एतमाद करना है, उसको उसकी गर्दान जो है वो आपको सुनानी है, और एक है वो आम बंदा सड़क पे चलता हुआ जिसके हालात जिंदगी हैं, वो कैसे किस तरह, वो तो रेगुलरली मीडिया भी नहीं फॉलो कर रहा होता, वो तो नहीं देख रहा होता, इसने वो तो की लड़ाई में ये नहीं देख रहा होता, नहीं ना उसे पता होता है क्या इनकी किताब में क्या लिखा है, कानून की किताब में क्या लिखा है, उसको अपने हालात से गर्ज दो वक्त। ये जो ये जो शल सामने रख के इमरान खान साहब ने उस तस्वीर का इंपैक्ट का अंदाजा लगाए, फिर जाहिर है कि पुलिस के बारे में आपको पता है कि हमारे यहाँ लोगों की क्या फीलिंग है, हर वो बंदा जिसका पुलिस से, थाने से, कचहरी से पाला पड़ा है वो अच्छी फीलिंग नहीं रखता। सही। फिर वो कहानियां ट्रेवल करती हैं, एक तासुर है उनका, एक बहुत बुरा तासुर है हमारे यहाँ पुलिस का, बदकिस्मती की बात है, और उसकी जो तासुर है वो जब लोग हेलमेट पहन के एंटीरॉयड जो गियर है वो पहन के वाटर कैनन लेकर अंदर तुम शेल बरसाएंगे, डंडे उनके हाथ में होंगे, जो भी कुछ हो जाए, चाहे आप ये कहेंगे जनाब ये इस मुल्क की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये इनको कानून सामने तो लेता है, लेकिन सामने जो लोग हैं वो उनकी हमदर्दी का फैक्टर उन्हीं की तरफ जाता है। सही, ये सवालात हैं, ये आपके और हमारे लिए, ये कुछ और लोगों के लिए, एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के लिए ये सवालात, सही, के
कौन दुरुस्त है, कौन गलत है, कौन सही है, ये बातें बाद में होती हैं। असल बात यह है कि इसके नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला है, कम से कम 24 घंटे का नतीजा मैं आपको ये बता सकता हूं कि इमरान खान इज मोर पॉपुलर। इमरान खान की आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। आपने उनको गिरफ्तार करना था, उसका नारा लगाया था, वो आप नहीं कर पाए। और तीसरी बात ये कि आप इमरान खान साहब को अगर नहीं अब पकड़ पाते, इमरान खान साहब दो केसेस की भी हमने बात करनी है। मैं आपको फिर सदीक जान साहब का जो उनके साथ मुलाकात हुई और नोटिस में क्या लिखा है, जो साइबर क्राइम ने नोटिस जारी किया, उसका अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो वो जो नतीजा निकला है, वो नतीजा यही है कि हुकूमत जो है वो लूजिंग एंड पर है। वज़ीर आज़म ने भी और वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने भी डिसोन कर दिया कि हम तो गिरफ्तार ही नहीं करना चाह रहे, हुकूमत का तो लेना देना नहीं। शेखुपुरा ननकाना कसूर के जो अपने वर्कर्स हैं, जो तंजीमी कन्वेंशन उन्होंने के नाम पर अपना जलसा किया, उस जलसे में राणा सनाउल्लाह हमेशा जो कहते हैं जलसे नहीं है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, चले ठीक है ना, लोग फिर उसे जज करने लग जाते हैं। लेट्स कॉल इट अ जलसा ना, वो छोटा बड़ा जलसा जैसा भी हो पता चल जाएगा ना, बैलेट बॉक्स के ऊपर जाएं भाई, मुल्क के मसाइल का हाल जो है वो वहां पर निकलेगा। इस वक्त जो मारामारी हो गई है, देखिए सबको ना, जिस तरह कंप्यूटर अगर हैंग हो जाता है तो सबसे लोग क्या करते हैं, उसको रिस्टार्ट कर। दिस कंट्री नीड्स अ रीसेट। एब्सोल्युटली इस वक्त जो पोलराइजेशन है, जो मारामारी की इंतहा है हर जगह, यानी अब आप अंदाजा लगाइए कि नफरत का ये आलम है कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है या पीएमएलएन की लीडरशिप है या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, अब वो दूसरी तरफ सिर्फ लीडरशिप को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, सही, वो दूसरी जमात के वर्कर्स को, वोटर्स और सपोर्टर्स को क्रिटिसाइज कर रही है। भाई वो पाकिस्तानी शहरी है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो आपका गाहक है, सही, आपका मुतवक्के क्लाइंट है, आपने उसको अपनी तरफ लुभाना है, बेहतर तरीका अपना है एजेंडे से आपने, यानी ये होता है कभी कि आपकी दुकान हो कोई जलेबियों की और सामने जिस तरह ये पिंडी में है ना जी, ग्राटो 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 लगी नहीं है, या वो हमारा में ये मसला नहीं हल हुआ कि चांदी चौक पे असली मामू बर्गर कौन है, मामू दोनों ने कहा था 50-50 लाख रुपए इनाम, एक ने 30 लाख रुपए इनाम के गलत साबित करने वाले को, हम असली मामू बर्गर और सबको मामू बनाया। अब हाँ, ये कभी होता है कि एक दुकान वाला, एक मामू बर्गर वाला दूसरे मामू बर्गर वाले के सामने जो गाहक जा रहा, वो उस बर्गर वाले के खिलाफ अदालत चला जाएगा, वो उसके खिलाफ जो मर्जी कुछ करेगा, लेकिन उसको जो उसके पास गाहक आ रहा है ना अपनी जेब में पैसे लेके खरीदने के लिए, खाने के लिए, अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ क्योंकि उसका जायका अच्छा है या उसका प्रेजेंटेशन अच्छी है या उसका रंग रोगन अच्छा है या उसकी लाइटिंग अच्छी है, उसको गाली नहीं देनी आपने, सही, वो तो आपका जो है क्लाइंट है, आप उसको बुरा भला करने लग जाएंगे। यहां पर नफरत का आलम यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल के ऊपर और टॉप लेवल पे, मतलब क्या किस किस किस्म की नाम से पुकारते हैं आप देखे ना, वो जी। जो मरियम नवाज साहिबा भी हैं उनको रीट्वीट्स करती हैं, वो सब कुछ करती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना एजेंडा बेहतर, अपना नारा बेहतर, अपना फेस बेहतर, अपना बयानिया बेहतर बनाने की जरूरत है। नफरत के कारोबार के जरिए तो केसेस के ऊपर आ जाते हैं। केसेस एक सदीक जान साहब का जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगा, बेल का केस है, उसके हवाले से जो बात है उस पर बाद में आते हैं। पहले क्विकली जो है वो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो है 10 बजे तक का तो जमान पार्क में लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि वहां पर कार्रवाई रोक दी जाए, 10 बजे के बाद अटेम्प्ट जो है वो हो सकते हैं इनकेस उनको अब ट्रायल कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता। क्विकली हुआ क्या, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, वो बायोमेट्रिक वाला प्रोसेस वो सारा, उसके ऊपर वो थे सवालात, जब उसको सुना गया केस को कहा गया कि ये जो आप दे रहे हैं अश्योरेंस दे रहे हैं कि इमरान खान साहब 18 तारीख को पेश हो जाएंगे, ये आप जाकर ट्रायल कोर्ट में दें जहां पर मुकदमा चल रहा है, तो वो सुबह कल अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के करीब जो है इनके लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, वो 9:30 बजे के करीब इसके ऊपर वहां पर पेश करेंगे, तो फिर वहां से जो फैसला आएगा वो पता चल जाएगा। इस पर जो उनकी लीगल टीम है उसमें इंतजार मौजूदा साहब मेरे पास प्रोग्राम में भी थे, उनसे भी मैंने सवाल किया कि भाई देखें इमरान खान साहब जो है उनकी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, आप जितना मर्जी कहें कि वो इन्फ्लुएंस्ड है, आप जो मर्जी कहें, आप बयानियां जितना मर्जी बनाएं, आप जितना मर्जी कहें कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, उसको प्रूव यही बात करेगी कि जब आप पेश होंगे और आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा हो कि आपको इंसाफ नहीं मिला। मतलब ये जो सवाल है ना ब्रॉडर क्वेश्चन, आइन और कानून की धज्जियां इमरान खान ने उड़ा दी, तो सवाल यह है कि आइन और कानून की धज्जियां किसने उड़ाई। आइन और कानून की धज्जियां मतलब आपके मौकफ में बहुत ज्यादा जान होती है, मैं बार बार कर चुका हूं
कि पीडीएम के नून लीग के मौकफ में बहुत जान होती है, अगर इमरान खान पर आपने तौहीन का पर्चा ना काटा होता, बगावत का ना काटा होता, कत्ल का ना काटा होता, इकदामे कत्ल का ना काटा होता, आपने उन पर दहशतगर्दी का पर्चा ना काटा होता, मतलब हर चीज का पर्चा आपने काट दिया, तो लोग जहर है कि वो अंधे तो नहीं है ना, उनको पता है कि इन पर्चों के पीछे आपकी पॉलिटिकल मोटिवेशन मौजूद है और आपका ये खौफ मौजूद है कि इमरान खान जो है वो निकल गया आवाम में, पब्लिकली उसने बहुत ज्यादा कैंपेन कर ली, फिर तो हमें हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। सही, तो आप तो उस वजह से कर रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे भी वो फिर हम अलग बात करेंगे। और खान साहब का जो है कि वो पेश नहीं हो रहे, उनका दो चार बुनियादी बातें, कहते हैं मेरी जान को खतरा है, वो सबको मालूम है कि उनको विजिबल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो अदालत में पेश नहीं, तो कहते हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलती, सिक्योरिटी दे दें मुझे, मैं आना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ। और जो उनकी लीगल टीम है वो ये कहती है कि इस सारे मामले में 18 मार्च की पेशी है, वारंट जो है वो जारी होता है और 14 तारीख को ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का। तो ये इतना वक्त, वो तो गिरफ्तार करके पेश करना था, ये जो लाहौर से कराने का टाइम है वो कितना टाइम लगता है? 4 घंटे की ड्राइव, 4 घंटे के, चले आप थोड़ा सा ज्यादा कर लेना, खान साहब मूव करेंगे, रश होगा सिक्योरिटी वगैरह के लिए, उसके लिए तो आपको 6-7 घंटे 8 घंटे दरकार होंगे, उसके लिए आप 4-5 दिन पहले उनको गिरफ्तार करके कहाँ रखना चाहते थे, मतलब क्या करना चाहते थे? तो ये उनका जो है वो, फिर दूसरा उनके यहाँ एक ये भी मौजूद है कि एक के बाद एक बंदे को हैंडओवर करते जाएंगे वो सारा मामला। तो अब जाहिर है कि अब 4 घंटे रह गए हैं, केस जो है वो सामने होगा, और इसमें भी इमरान खान साहब के गिरफ्तार होने से, इमरान खान साहब के ना गिरफ्तार होने से मुझे नहीं लग रहा कि पीडीएम को कोई फायदा हो। इमरान खान साहब इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे ना पंजाब हुकूमत के लिए, वो यानी कि खुद मैदान में तो नहीं है, वो किसी हल्के से वो एमपीए का इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, बिल्कुल उनके लोग लड़ रहे हैं। इमरान खान को आप जेल में उठा के डाल दोगे क्या, उससे पीटीआई जो है वो लेस पॉपुलर हो जाएगी, लोग नहीं निकलेंगे वोट डालने के लिए, उनको मजीद सिंपथी का फैक्टर मिलेगा, मतलब हर वो इकदाम किया जा रहा है जिससे मामला जो है वो इमरान खान के फेवर में जाता है एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल सही। तो दूसरा जो अब सदीक जान साहब का, वो 2 नोटिस की कॉपी सामने आई है। सदीक जान से अच्छा मैं पहले आपको बता दूं, मेरी मुलाकात हुई पहले मेरी सुबह के वक्त जो है वो फोन के ऊपर बात हुई थी, जैसे मुझे सामने ट्वीट से पता चला कि ये सब कुछ हुआ है, फिर सदीक जान साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यही भी नहीं था, और उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा केस है मेरे ऊपर कोई कंप्लेन है और वो है तो मैं उसमें शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ, बैठूंगा मैं करूंगा कानून और उसका, अच्छा उन्होंने ट्वीट भी किया, मैं कानून और नून दोनों स्ट्रॉन्गली बिलीव के नून लीग जो है उसकी ख्वाहिश का अमल दखल भी है इसमें। अब वो नोटिस जो है वो जाहिर है इस मुल्क में यार एक कानून तो मौजूद है ना, यू हैव टू फेस दैट, तो वो सदीक जान ने कहा कि वो हम करेंगे उसके हिसाब से, जो भी अगर कोई सवालात हैं उसका जवाब मैं दूंगा, और स्पिरिट्स उनके बिल्कुल ठीक थे, और आपको पता है कि मेरा उनके साथ कैसा ताल्लुक है। अब उनका केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल का है, और बेल उनको अगर ग्रांट हो जाती है उस सूरत में भी और दूसरी सूरत में भी वो शामिल तफ्तीश हो जाए। सही, ये सारे मामले में अब वो जो आया है मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि सदीक जान को जो नोटिस मिला है, अच्छा 2 आए थे, एक अच्छा सेम है, बिल्कुल सेम नोटिस है, एक पे तारीख जो है वो लिखी हुई है 20 तारीख, यानी 20 तारीख 20 फरवरी 2023, और एक पर लिखी हुई है 1 मार्च 2023। लेकिन अब इसमें मामला यह है कि ये अभी तक सामने क्यों नहीं आया था, क्या इसकी बुनियाद के ऊपर इतना डिले करने के बाद, ये तो अंदर से किसी ने बताया ना। सही, और वो तो इनको इतला ये आ रही थी कि सदीक जान को उठाने के लिए आ रहे। अच्छा, मतलब ये कि आप डायरेक्ट गिरफ्तार, आपका हाँ आपका जो नोटिस है, नोटिस में तो कहा है कि आप पेश हो, मैं आपको नोटिस बता देता हूँ तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये करने की कोशिश क्या की जा रही थी। ये जनाब ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सर्कल है इस्लामाबाद का, उसने नोटिस फॉर अटेंडेंस जो है वो दिया है कि आप आए पेश हों टू मोहम्मद सदीक जान, फिर नीचे उनका एड्रेस, सब्जेक्ट है इसका इंक्वायरी नंबर 188/2023 ऑफ FIACCRC इस्लामाबाद। FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग एजेंसी इस्लामाबाद इस वक्त एक अबव मेंशन ऊपर दर्ज की गई इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है, और इंक्वायरी की डिटेल्स सामने है, कंप्लेनेंट है स्टेट रियासत, और जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है उनका नाम है सदीक जान,
इंक्वायरी नंबर वो मैं बता चुका, इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन डेट है 20 फरवरी 2023। ये मैं आपको यकम तारीख वाले में बता, जो बाद वाला उसमें भी 20 तारीख का है। सही। यकम के बाद आज हम किस तारीख को बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं 16 मार्च को। 15 मार्च को ये सामने आया है। पहले 15 दिन में ये नोटिस अधिक जान साहब को आप सर्व कर देते हैं। सही। मतलब आपके अब ये मुतवक्के तौर पे मैं गुमान कर रहा हूँ कि आपकी कहानी ये थी, आप उठा लेकर कहेंगे कि ये तो उस दिन से हुआ था, हमने भेजा था, उसने जवाब नहीं दिया, तो हमें उसको वो करना पड़ा, क्योंकि उसमें नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं पेश होंगे और अपना जवाब नहीं देंगे तो फिर आपके खिलाफ सेक्शन 174 इंक्वायरी जो है वो रजिस्टर हुई है FIA साइबर क्राइम रिपोर्टर रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया है कि जो कॉन्टेंट्स हैं आपके, अच्छा यहाँ पर जो पहले वाला है उसमें उनका ट्विटर अकाउंट मेंशन था, दूसरी चीजें मेंशन थी, यहाँ पर वो नहीं मेंशन किया गया। उसमें दूसरा जो अपडेटेड आया है ना, वो ये आया है कि जो कॉन्टेंट्स हैं जो आपने पोस्ट किए हैं वो खौफ हरास फैला सकते हैं, लोगों में इश्तियाल जो है वो आ सकता है, और ऑफेंस जो है वो कर सकते हैं, कोई गैर कानूनी कदम उठा सकते हैं रियासत के खिलाफ या आमने आमा के खिलाफ। लिहाजा आपको ये डायरेक्ट किया जाता है कि आप अपेयर हों, इन पर्सन सामने आए, और उसके लिए जो तारीख दी गई वो तारीख उसमें 8 मार्च कर दी गई। सही। पहले जो तारीख इसको भी गुजरे 8 दिन हो गए, जो हाँ जो पहले तारीख दी गई थी वो 24 तारीख दी गई थी। सही। और उसमें ट्विटर अकाउंट भी मेंशन किया गया था कि यहाँ पर है और यहाँ से आप जनाब पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये करते हैं। अब ये कानूनी तौर पर किस तरीके से इसमें तब्दीली की गई है और उसकी क्या वजह हो सकती है, ये अब जाहिर है कि आगे कोर्ट प्रोसीडिंग और इंक्वायरी के दौरान पता चलेगा कि पहले आपने ट्विटर अकाउंट पर ये चीजें मेंशन की और बाद में नहीं की। 12 सदीजान आज जो है वो अदालत में आ जाएंगे और वहां से लेट्स होप कि उनको जो है वो इस मामले में रिलीफ मिल जाए, एंड ही शुड, एंड यानी कि एज अ फ्रेंड व्हिच इज आल्सो माय सजेशन, और उनकी भी यही जो है वो है कि कोई सवाल है लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आप उस पर अपेयर हो, आपके ऊपर कोई सवाल है आप उनका जवाब दें, इफ यू आर क्लीन यू शुड, बट फ्रेंकली स्पीकिंग ये जो तरीकाकार है इट्स हाईली कंडेमनेबल, ये काबिले मुजम्मत है ये तरीकाकार छुपा के। अगर आप इसको यकम तारीख का भी नोटिस तस्वुर कर लें और 8 तारीख की भी उनकी मुतवक्के पेशी आप तस्वुर कर लें, 15 मार्च को ये सामने आता है, तो 8 मार्च से पहले जिस बंदे को आपने 8 मार्च को कहना था कि आप अपेयर हो और सवालों का जवाब दें, आपको तो उसको 2-3 तारीख को जो है नोटिस सर्व कर देना चाहिए था। सही। वो आपने छुपा के क्यों रखा? सो दैट इज वेरी सीरियस क्वेश्चन, और सारे मामले के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालता है कि जो आप कर रहे हैं ये बेसिकली विक्टिमाइजेशन है, आपको बोलने की जरूरत, आपको किसी और वजह से किसी भी बुनियाद के ऊपर आपको जो है वो टारगेट किया जा रहा है, पसंद का नहीं बोल रहे आप जाहिर है कि ये सारे मामला इसी तरीके से होते हैं, तो लेट्स सी किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं मामला, वीडियो भी तवील होगी, लेट्स जस्ट क्लोज द वीडियो। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।